हरिद्वार 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में 19वीं उत्तराखंड प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस एथलेटिक्स खो खो साइकिलिंग प्रतियोगिता का विधिवत एवं पारंपरिक तरीके से समापन हुआ। विशेष अतिथि के रूप में महोदय अमित कुमार सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव खेल उत्तराखंड शासन एवं अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उत्तराखंड पुलिस द्वारा परेड का मान प्रणाम ग्रहण करते हुए विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को पदक एवं चल वैजयंती प्रदान की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन 14 दिसंबर 2023 को जन्मेजय खंडूरी पुलिस उप महानिरीक्षक PAC के द्वारा किया गया था। ये टीम्स का रिजल्ट आ रहा है और इसमें हम लोग ये देखेंगे जोड़ने के बाद कि कौन अव्वल आई। जो मुख्य उद्देश्य इसका था कि सारे हमारे जनपदों और वाहनियों के बीच में प्रतियोगिता हो, एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हो। लगभग 20 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं। पहली बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि पहली बार हम लोगों ने मास्टर्स टूर्नामेंट कराया, जिसमें कि पुलिस के जो लोग 50 से ऊपर के थे, हमारे पुलिस में कई ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि उम्र ज़्यादा होने के कारण उनमें ये कहूँगा कि वो हतोत्साहित रहते थे, उनमें ड्रग्स की भावना आ गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल थी कि हम एंटी ड्रग मूवमेंट चलाएं, तो उसी एंटी ड्रग मूवमेंट के तहत हम लोगों ने मास्टर्स के टूर्नामेंट शुरू कराए, जिससे कि उम्रदराज जो हमारे खिलाड़ी हैं उनमें भी एक उत्साह बना रहे, वो भी खेल में आगे आए। तो आज उसके भी हमने टूर्नामेंट कराया है। सही कहा, पुलिस की खेल नीति होनी चाहिए और इस पर काम चल रहा है। चूँकि अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स की नीति भी आपने देखा होगा, विगत हमारे 1.5 साल से ही हमारी चलन में है, तो हम लोगों ने लगभग उस पर अपनी स्पोर्ट्स की बनाई हुई, जिसमें कि हम मास्टर्स वाली बात भी डालेंगे।